जो राम सेतु बनाया था वो इसी साइड बनाया था, इसी में नीचे राम सेतु है अंदर, ये देखो आप लोग भी सुन सकते हो। इससे आगे 18 किलोमीटर आगे जाके श्रीलंका का बॉर्डर पड़ जाता है। वैसे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट था भी नहीं मेरे ख्याल से, वैसे वाटर बॉटल है, मुझे प्यास लगी तब याद आया, और कुछ नहीं ना। नहीं। जय हो, गुड मॉर्निंग गाइस। रेडी हो रहे भैया? तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं यहाँ के 15 फेमस जगह के दर्शन करने के लिए। एक है धनुषकोडी जाएंगे, और जहाँ पे बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन हिंद महासागर जहाँ आपस में मिलते हैं दो समुद्र, अलग अलग कलर है दोनों का, एक वहाँ जाएंगे। आपका मोस्ट स्पेशल कौन सा है? काली हनुमान टेम्पल वहाँ भी जाएंगे। आपका मोस्ट स्पेशल कौन सा है जगह जहाँ बहुत एक्साइटेड जाने के लिए? मोस्ट स्पेशल तो यही थी जहाँ हम दर्शन करके आ गए। इसके बाद रामेश्वरम, बस अब आज यहाँ जाके उसके बाद मिलते हैं। मेरी मोस्ट स्पेशल राम सेतु। अरे हाँ, राम सेतु भी तो जाएंगे, और जहाँ पे फ्लोटिंग स्टोन है जहाँ पे पानी हनुमान टेम्पल में तैरते हैं ऊपर, वहाँ भी जाएंगे। मिलते हैं। ये इडली वड़ा ना, हाँ दो प्लेट चाहिए था और दो प्लेट मसाला डोसा। गैस यहाँ का ये इडली वड़ा है बहुत ही, यस यस दे सांबर, ओके। तो गैस ये इडली वड़ा, इसमें हम लोग इडली के साथ तो खाएंगे चटनी, चटनी साथ ही सारी। ये कौन सी है? इडली का चटनी और वड़ा अभी खाएंगे अलग से चाय के साथ। इटली नहीं दिख रही ना? अच्छा, अभी भी इटली नहीं दिख रही, इटली को अपने हाथ में पकड़ लो। गैस ये इडली वड़ा, और इसके बाद मैंने डाली है ये वाली चटनी, और इसमें एक चटनी, एक ये सांभर हो गया, एक ये टोमेटो वाली बहुत ही टेस्टी आ रही है। तो हमने दो इडली वड़ा मंगाए और दो मसाला डोसा, टेस्ट करके देखते हैं कैसा हो रहा है। ये कोकोनट की चटनी यहाँ की इतनी बेस्ट है क्या बताऊँ, पूरे इंडिया का इडली वड़ा और ये डोसा एक तरफ, और साउथ इंडिया का इडली वड़ा डोसा एक तरफ। हाँ ये ठीक है, ये लोकल है। हाँ मेन यही है धनुषकोटी, और ये जो हिंद महासागर होकर मिलते हैं ना। हाँ, और ये वाला प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, और ये लोकल है। कार में रख लो। अच्छा, तो भैया ये क्या कहते हैं कितने है उसमें, मतलब कितने टाइम में हो जाएगा? 3 घंटा लगता है आगे पीछे, 3-4 घंटे में। ठीक है, ठीक है। गाइस ये प्रॉपर साउथ इंडियन लुक जो होता है, धोती लुंगी उंगी के साथ यहाँ का, देखो हर जगह आपको ना ऐसे मिलेंगे। ये जय हो माता जैसे, और यहाँ के घर देखो। अभी हम ये हमें ले जा रहे हैं वहाँ से, जो इनकी गाड़ी है, ये जो ऑटो वाले भैया हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली ऑटो ही बुक होते हैं, टैक्सी में ऑटो ही चलते हैं यहाँ पे, टैक्सी कार आपको कहीं दिखेगी नहीं। तो ये ऑटो वाले भैया ने कल हमें थोड़ा गाइड किया था, मंदिर के पास मिले थे, उन्होंने अच्छे से गाइड कर दिया था कि आपको ऐसे ऐसे करना है, 22 कुंडों में नहा के फिर वहाँ से पंडित एंड ऑल। तो इस वजह से मैंने इनका नंबर ले लिया था कि कल आपको घूमने जाएंगे तो आप ही को बुलाएंगे, तो मैंने इनको कॉल किया और कल रात को ही, और ये मिल गए। ये हमें 15 जगह घुमाएंगे, और हम वहाँ भी जाने वाले हैं जो धनुषकोड़ी के पास जो वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट तो आगे हो गया, उससे पहले जहाँ पे कॉर्नर में आता है। गाइस तो अब निकल गए हम लोग मेन, देखो साउथ का एरिया, एक तो उत्तराखंड हिमाचल के जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे एकदम शुद्ध ऑक्सीजन है पूरे इंडिया में, और एक साउथ का एरिया जहाँ एकदम प्रॉपर ऑक्सीजन है। यहाँ इतनी प्रॉपर ऑक्सीजन है आपको क्या बताएं। अभी आपको मेन पॉइंट आएगा तभी दिखाते हैं। बड़ा गांव था रामेश्वरम, जिसे गांव था। अच्छा रामेश्वरम गांव। 64 में पूरा बाड़ा है कि खत्म हो गया। 1964 में। तो गाइस यहाँ की कहानी बताता हूँ आपको। यहाँ की कहानी ये है कि यहाँ पे पहले गांव होता था एक, तो जब बाढ़ आई। अच्छा रेलवे स्टेशन भी था यहाँ पे, ट्रेन भी आता था पहले। धनुषकोड़ी। तो गाइस यहाँ की मैं कहानी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे पहले, यहाँ पहले गांव हुआ करता था धनुषकोड़ी नाम का। तो 1964 में बाढ़ आई थी और सारा हड़े हो गया था, यहाँ रेलवे स्टेशन भी था, ट्रेन भी चलती थी। गाइस ये इंडिया का लास्ट कोना है, ये मतलब
लास्ट NH है, इसके आगे रोड नहीं है, इसके आगे रोड ख़त्म है। यहाँ पे देखो ये मंदिर, ये स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, आगे 18 किलोमीटर आगे जाके श्रीलंका का बॉर्डर पड़ जाता है। और जो राम सेतु है, भगवान श्री राम ने जब युद्ध करे जा रहे थे तो उससे पहले जो राम सेतु बनाया था वो इसी साइड बनाया था, इसी में नीचे राम सेतु है अंदर में। और आप लोगों ने देखा था कि मैं NH1 में गया था जो लेह लद्दाख साइड, और ये NH लास्ट है, इसके आगे रोड नहीं है यहाँ से। ये बहुत ही सुंदर एरिया है यहाँ का, क्या बताऊँ आपको। लहरें देख के ऐसा हो जा रहा है यहाँ पे, आपको क्या बताऊँ कितना मजा आ रहा है। आराम जा रहे हैं यहाँ पे आराम से, है ना, एकदम डाउन थोड़ी है वो, कोई हाई टाइप। तो गाइस यहीं से देखो, ये यहीं से वो है जहाँ से राम सेतु बनना स्टार्ट हुआ था, जब श्री राम जी युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो यहीं से जो मतलब श्री राम जी की सेना थी, वानर सेना, तो उन्होंने यहाँ से पुल बनाना शुरू किया था। और इसी के नीचे राम सेतु है जो कि आपको पता है, सबको पता है कि सेटेलाइट से दिखता है वो, और यहाँ पे जस्ट इसके नीचे है। और यहाँ से आगे 18 किलोमीटर आगे जाके पड़ता है श्रीलंका का बॉर्डर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और बहुत ही मज़ा आ रहा है आपको गाइस, क्या बताऊँ कितना मज़ा आ रहा है, बता नहीं सकता। ये लहर ऐसी लग रही है, इतनी ठंडी हवा चल रही है, धूप है बट फिर भी इतनी ठंडी हवा चल रही है कि आपको क्या बताऊँ। और ये लहर ऐसी लग रही है कि जैसे कोई सफ़ेद कलर की चादर उड़ती हुई आ रही हो लंबी सी। वो पोज बता देंगे यहाँ पे, चारों की आ जाएगी ना एक साथ। तो गाइस देखो ये है जो लास्ट है, मतलब बेसिकली एक्सपीरियंस बड़ा तगड़ा है क्योंकि मैंने NH1 देखा है ना, लेह लद्दाख जब गया था तो वहाँ NH1 था और यहाँ NH लास्ट है। मतलब देखो ये रोड घूमती हुई आ रही है यहाँ से, और ये घूमती हुई फिर यहाँ से गोल राउंड घूम के वापस इंडिया को ही, मतलब आगे जाने का मतलब नहीं है। आगे फिर समुद्र पड़ता है और उससे 18 किलोमीटर आगे जाके श्रीलंका का बॉर्डर है श्रीलंका का। और देखो ये है यहाँ पे, खींचो यहाँ पे तेरी फोटो, खड़े हो जाकर। अच्छा निकाल दी फोटो, गैस यहाँ पे आप लोग फोटो भी खींच सकते हैं और फोटो हमारी खींचिए। सर योर गुड नेम? पांडी। पांडी, अच्छा योर नेम इज पांडी, नाइस नेम, बढ़िया फोटो खींचा आपने, यू हैव क्लिक नाइस फोटो, ओके थैंक यू। गैस यहाँ फोटो ले लिया हमने हाथों हाथ और मज़ा आ गया फोटो देख के। सेल्फी ले लेते हैं। वो कहाँ बुला ले उनको यार। तो गैस यहाँ बस से भी आ सकते हैं, देखो ये बस आ रही है लोकल बस, ये आपको हर जगह घुमा देगी यहाँ पे। गाइस यहाँ की फीलिंग ही अलग है। अब जो हमने बुक किया हुआ है ऑटो उसमें जा रहे हैं, फिर अब ऑटो हमें ले जाएगा धनुषकोडी, वहाँ से विभीषण का टेंपल भी दिखाएंगे आपको, विभीषण भगवान बोलेंगे उन्हें तो, उस टाइम पे सब भगवान ही हुए। बाकी आपको एक इस साइड का व्यू और दिखा देता हूँ, जहाँ दूर दूर तक देखो वहाँ तक समुद्र ही समुद्र, पानी ही पानी। और जो श्रीलंका बॉर्डर है वो इस साइड है, इस साइड यहाँ देखो आपको थोड़ी, यहाँ से ना आपको थोड़ी सी ज़मीन भी दिखेगी, वो आइलैंड जो है वो वही है, मतलब जो राम सेतु उसके बीच में है, और 18 किलोमीटर यहाँ से श्रीलंका है जैसे मैंने आपको बता दिया। ये हाईवे जा रहा है लास्ट NH4, मिल गया। किसने पकड़ा था ये, उसको ही दो उसके हाथ में, मेरी जिम्मेदारी है ना, एक के हाथ में दो ना वही पकड़ेगा। गाइस ये लोग बैग भूल गए थे और बट मिल गया टॉपिक क्या, वैसे तो इसमें 15-20 सेकंड ही वो हुए हैं, बट ये कि इस चीज़ ध्यान में रखना है कि फोटो के चक्कर में अपनी इम्पोर्टेंट चीजें ना भूलें। वैसे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट था भी नहीं मेरे ख्याल से, वैसे वाटर बॉटल है, हमें तो प्यास लगी तब याद आया और कुछ नहीं ना, नहीं। तो बस ठीक हो गया, बैग में आ गया, बैग ब्रांड है। चलो गाइस ये समुद्र इतना शोर कर रहा है आपको क्या बताऊँ, आवाज़ से ऐसा मतलब घर करके आवाज़ आ रही है, तो बहुत ही एकदम, ये देखो आप लोग भी सुन सकते हो।
गए जो बताया था कि 1964 में जो बाढ़ आई थी तो वो यही चर्च है जो पूरा डूबा था, मतलब चर्च का पूरा गांव था यहाँ पे धनुषकोडी। तो अभी देखो यहाँ ऐसा है, गाना सुनो गाइस, पवन ऐसे यानी कवेज, मज़ा आ रहा है। वैसे जो भी है देखो गाइस, ये वो चर्च था, यहीं था इनफैक्ट वो जो गांव था वो यहीं पे था पूरा धनुषकोडी जो डूबा। और भाई सो रहा है, और यहाँ अभी ऐसा हो गया है तो यहाँ रहते नहीं लोग, यहाँ पर शॉप्स हैं क्योंकि दोबारा बंद हो सकता है, दोबारा आ सकती है बाढ़ कभी, इसलिए। आप लोग चलो उसमें गाड़ी में, हम आ रहे हैं, आप लोग बैठो। तो फिर है इसमें डी, हाँ अच्छा डी, ओके ओके थैंक यू। ले लिया और गाइस, जो मैंने आपको बताया था कि धनुषकोडी जो डूब गया था वो यहाँ पे रेलवे स्टेशन था, इनफैक्ट यहाँ रेल भी चलती थी, देखो आप मतलब ट्रेन भी चलती थी यहाँ पे। और ये धनुषकोडी गांव यहाँ से देखो जस्ट तो डूब गया था, अब तो एक है पुराना हो चुका है। तो यहाँ की एक घूमने की प्लेस है बस अभी के लिए।